नमस्ते, वेलकम टू फीमेल हेल्थ सीरीज डे 5। और आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी, और इस स्पेशल टॉपिक के लिए हमारे साथ है डॉक्टर शर्वरी अभ्यंकर जी। वेलकम मैम फॉर दिस सीरीज, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई वुड क्विकली लाइक टू टेल अबाउट मैम, बिकॉज उनका इंट्रो बहुत ही ज्यादा लंबा है, एंड शी इज अमेजिंग सोल। शी इज वेरी स्वीट पर्सन, जीते जागते योगी बोल सकते हो आप उनको। अरे बाप एंड शी इज प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा मोर देन 12 इयर्स से साउथ मुंबई में। शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन योगा एंड QCI 2 लेवल उन्होंने क्लियर कर दिया है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम होती है योगा में। एंड नाउ शी इज ऑल्सो वर्किंग एज अ एग्जामिनर फॉर QCI लेवल 2। और शी इज वर्किंग एज अ गेस्ट लेक्चरर इन मेनी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट इन मुंबई, लाइक योग विद्या निकेतन एंड योग योग साधना मंदिर, राइट? या यस साधना योगा साधना। मंदिर। एंड हर स्पेशल प्रोग्राम इज प्री नेटल पोस्ट नेटल TTC, जो मैंने किया है और मेरे साथ जैसे बहुत सारे लड़कियों ने किया है, उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ है। स्पेशली इस प्रोग्राम में मुझे एक बात जो पसंद आई वो है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट योगा। इसमें हम लोग आयुर्वेदा के बारे में, फूड के बारे में, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब प्रेगनेंसी अगर हम लोग ने कंसीव नहीं किया है, वहां से लेके डिलीवरी तक और पोस्ट डिलीवरी तक बहुत सारे टॉपिक जो है वो अच्छे से मैम ने कवर किए हैं, और बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स भी आते हैं। तो आई जस्ट लव दिस प्रोग्राम। और अगर आपने कभी भी प्रेगनेंसी प्लान करना है लाइफ में, और अगर आप योगा से योगा के फील्ड में नहीं हो, योगा टीचर नहीं हो, तो भी चलेगा, आप ये प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज दिस प्रोग्राम विल चेंज योर एंटायर लाइफ। और जो नॉलेज हमें मिल रहा है इसमें, दैट इज आई जस्ट कांट एक्सप्रेस इन द वर्ड। सो मैम थैंक यू सो मच फॉर सो दैट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप आने वाले हैं इसलिए मुझे बहुत सारी लड़कियों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हैं, तो आई होप हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर कर पाए। तो हाँ, सो मैम आई जस्ट क्विकली गिव यू एन इंट्रो अबाउट व्हाट वी हैव डन सो फार। सो बेस्ड ऑन दैट वी विल बी आस्किंग यू फ्यू क्वेश्चंस। हम लोग ने ओके PCOD एंड PMS के बारे में बात की है, और थोड़े थोड़े प्रैक्टिसेस प्लान भी हम लोग ने शेयर किए हैं। तो आप उसके बारे में कुछ और थोड़ा बताएंगे, जैसे कि PMS है, PCOD है, उनमें बहुत सारे फीमेल जो है उनको कंसीव करने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है अगर उनको ये सारे इश्यूज है, स्पेशली PCOD और PCOS। हाँ, तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे, या फिर कैसे हमें योगा आयुर्वेदा हेल्प कर सकता है इन इन चीजों के लिए? पीसीओडी या तो पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये बहुत बार हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से ही होता है। ओके, जहां पर हमेशा एवरी मंथ फीमेल्स हमारे जो ओवरीज में एवरी मंथ एक ओवम तैयार होता है जिसे हम बीज कहते हैं, बराबर। तो पीसीओएस में क्या होता है कि ये जो बीज है उसकी उत्पत्ति होती ही नहीं है, तो बीज की उत्पत्ति होती नहीं है और एक छोटे छोटे सिस्ट वो ओवरीज में बनते रहते हैं। ओके, और उनमें से कोई भी ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाता, बीज की उत्पत्ति नहीं कर पाता और वहां पर मल्टीपल सिस्ट रहते हैं। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज पॉली, पॉली मतलब मल्टीपल, बहुत सारे सिस्टिक। ओके, एंड ओवेरियन सिंड्रोम इसीलिए उसे कहते हैं। तो अब ये जो फॉलिकल्स या तो सिस्ट जो बनते हैं वही आगे जाके एक मेल एंड्रोजेंस जो कहते हैं एंड मेल हार्मोन वहां पर प्रोड्यूस करते हैं और वहां पर आगे जाके फिर जिसमें वेट गेन हो जाता है, फिर हिर्सुटिज्म मतलब चेहरे पर छोटे छोटे बाल आ जाते हैं पुरुषों के जैसे। ओके, तो ये जो सारे हैं, कभी कभी उनकी गर्दन बहुत ज्यादा काली पड़ जाती है, अंडर आर्म्स जो एक्सिलरी एरिया है या तो ग्रोइन का एरिया, इनर थाइस, ये सब डार्क होना शुरू हो जाता है। ओके, हेयर फॉल हो जाता है, मूड स्विंग्स इज वेरी कॉमन इन पीसीओएस एंड पीसीओडी। इन सब का कारण यही रहता है कि वहां पर ओवम की उत्पत्ति ही नहीं हो रही है। ओके, तो सबसे पहले ये हो गया हमारा मॉडर्न के हिसाब से एक यहाँ पर रीजन है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। लेकिन आयुर्वेद से हम ये जो व्याधि है, ये जो डिसीज है,
तो थोड़ा सा वात का इम्बैलेंस और कफ की वहां पर बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण ये छोटे छोटे सिस्ट बनते हैं। तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होकर हम वहां पर वात और कफ का उनका इलाज करते हैं, वात और कफ को स्टेबिलाइज करने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से पीसीओएस बहुत अच्छे से हम कहते हैं कंट्रोल में आ सकता है। ओके, पीसीओएस ये ऐसी व्याधि है जो पूरी तरह से ठीक नहीं होती है, आपको उस पर बार बार ध्यान देना पड़ता है। एक बार आप ध्यान देना बंद कर देते हैं तो ये पीसीओएस किसी भी लाइफ के स्टेज पे आपको वापस मिलने आ सकता है। जैसे हाईवेज पर या तो यहाँ पर हम जब घाट में से जर्नी करते तो लिखा होता है वहां पे नजर हटी दुर्घटना घटी, वैसे पीसीओएस के बारे में हम कह सकते हैं कि आप अगर आपके हेल्थ की तरफ आपने ध्यान देना छोड़ दिया, आपने एक्सरसाइज और डाइट को छोड़ दिया, तो ये पीसीओएस वापिस आपको मिलने आ सकता है। तो आई होप कि आपने बहुत सारी प्रैक्टिसेस कवर की ही होगी। पीसीओएस में सबसे कॉमन एक सिम्टम मिलता है कि वेट गेन हो जाता है, बहुत ज्यादा वजन बढ़ता है, बराबर। तो ये वजन को कंट्रोल में लाने के लिए हम बहुत सारे आसन यहाँ पर वहां पर हमारे पेशेंट्स को हम सिखा सकते हैं, जिसमें सूर्य नमस्कार बहुत अच्छे से हेल्प करता है, जो एक सर्वांग सुंदर व्यायाम है, पूरे शरीर को वो बहुत अच्छे से क्या कहते हैं मोबिलाइज करता है, तो बॉडी के हर जॉइंट को, हर फैट सेल को, हर टिश्यू को उसका फायदा हो सकता है। दूसरे बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं, जैसे वज्रासनस्थ पद्मासनस्थ योग मुद्रा है। ओके, फिर जो हम टॉपसी-टर्वी पोजिशन या तो विपरीत मुद्राएं जो हम देखते हैं, सर्वांगासन है, हलासन है, विपरीतकरणी मुद्रा है, आगे जाके शीर्षासन है, ये सारे जो प्रकार है ये हम हॉर्मोनल बैलेंस के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। विविध प्रकार के मुद्राओं का हमारे योग में वहां पर मेंशन किया है, जैसे कि ब्रह्म मुद्रा है, सिंह मुद्रा है, वज्रासनस्थ पद्मासनस्थ योग मुद्रा है, इन सारों का भी हम हम इसका भी इंक्लूजन हमारे प्रैक्टिस में कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके डाइट पे बहुत ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो हम जंक फूड बोलते हैं या तो जो रिफाइंड फूड रहता है, मैदा रहता है, या तो हम जिसे प्रोसेस्ड फूड कहते हैं उसे कम करना बहुत जरूरी हो जाता है। घर का ताजा बना हुआ खाना इज ऑलवेज बेटर फॉर दिस पीसीओएस गर्ल्स और पीसीओएस फीमेल्स। तो ये डाइट और एक्सरसाइज के साथ हमें इसके साथ लड़ना पड़ता है, और अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा आयुर्वेदिक मेडिसिन के हेल्प से भी बहुत अच्छे से फायदा हो सकता है। ओके, तो ये ऐसे मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ता है पीसीओएस पीसीओडी के लिए। एक बार आपका ओव्यूलेशन रेगुलर होना शुरू हो जाता है फिर आगे जाके प्रेगनेंसी में कोई ज्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है, राइट। तो वैसे हमें वहां पर अप्रोच करना पड़ता है। सो मैम, अभी अभी आपने रिफाइंड फूड एंड हार्मोनल इंबैलेंस के बारे में बात की, तो इट्स नॉट ओनली फॉर पीसीओडी पीसीओएस, राइट। एनी फीमेल अगर वो लाइफ के किसी भी स्टेज में है तो उन्हें ये सारे फूड तो अवॉइड करने चाहिए, वो अपने योगा प्रैक्टिस या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में दे शुड बी रेगुलर, राइट। यस, वेरी गुड। तो ये डाइट का कैसे है ना, जनरली लोगों को ऐसे लगता है कि डाइट हमें कब करना चाहिए, जब हमें कुछ प्रॉब्लम हो। ओके, और डाइट ऐसी चीज नहीं है कि जो कुछ प्रॉब्लम होने के बाद करनी चाहिए। डाइट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ अवर लाइफ। तो हम रोज अगर दिन में 3 या 4 बार खाते हैं तो वो हम क्या खा रहे हैं वो अगर हम माइंडफुलनेस के साथ खाएंगे, क्योंकि जो हम खा रहे हैं उसका एक्चुअली मेरे शरीर को कितना उपयोग हो रहा है, क्या ये चीज मेरे शरीर के लिए अच्छी है नहीं है, ये सब जान के अगर हम खा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। फिर वो हमारे बॉडी को बहुत अच्छे से वो एक मेडिसिन जैसे काम करता है। कहा है कि अगर आपका आहार अच्छा है तो आपको औषधि की जरूरत नहीं होती है। ओके, वैसे ये रहता है। तो आपका आहार एक पूर्ण मतलब सर्वांग परिपूर्ण ऐसे होना चाहिए। हम जब रिफाइंड फूड खाते हैं उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर रहती है। ओके, पैक्ड फूड में बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्ट रहता है, और ये मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि शुगर या सॉल्ट बिल्कुल बंद करना चाहिए, लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में शरीर के लिए हमारे लिए उसका उपयोग है, उतनी ही क्वांटिटी में उसे लेना है, राइट। और जितना हम ज्यादा ये पैक्ड फूड खाते हैं उसकी शरीर को बहुत ज्यादा इट्स लाइक एन एडिक्शन। ओके,
उसकी जो टेस्ट रहती है पैक फूड में जो टेस्ट एनहांसर्स वगैरह रहते हैं उसका एक प्रकार का एडिक्शन बॉडी को लग जाता है, फिर वो टेस्ट बड्स उसके लिए ही ललचाते हैं। एंड देन वो घर का खाना जो सिंपल फूड रहता है, एक्चुअली घर का खाना भी उतना ही टेस्टी लगता है रहता है, लेकिन जस्ट बिकॉज हमें उसकी आदत होने के बाद फिर ये घर का खाना फीका फीका लगना शुरू हो जाता है। ओके, हाँ, तो ये जो सारी चीजें है ना, ये आदत बननी चाहिए। इट शुड बी पार्ट ऑफ अवर लाइफ। ऐसे नहीं कि कुछ होने के बाद डाइट करेंगे, हाँ चलो डायबिटीज आने के बाद शुगर कम कर देंगे, डिसलिपिडिमिया होने के बाद फिर ऑयल वगैरह कम कर देंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। बराबर, तो ये एक आदत, इट इज लाइक वे ऑफ लाइफ, इट शुड बी लाइक वे ऑफ लाइफ। ओके, एक्सरसाइज का भी वही है, एक्सरसाइज इज ऑल्सो, इट शुड बी पार्ट ऑफ अवर डेली रूटीन। ओके, ये हमारे दिनचर्या का भाग होना चाहिए। आयुर्वेद में जो दिनचर्या बताई दी है उसमें व्यायाम है वहां पर, जैसे हम रोज सुबह उठकर ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, वैसे ही वो व्यायाम होना चाहिए हमारे शरीर के लिए। बराबर, हम कभी भूलते हैं कि हम कितने भी बिजी हो फिर भी हम मोबाइल चेक करते हैं, हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हम सब चेक करते हैं, लेकिन हमारे पास रीजन रहता है कि नहीं मैं आज बिजी हूँ, मैं आज योगा नहीं करूंगी, मैं जिम नहीं जाऊंगी, मैं वॉक वॉक के लिए नहीं जाऊंगी, बिकॉज आई एम सो बिजी। ओके, हम खाना खाने नहीं भूलते, तो हम व्यायाम करने क्यों भूलना चाहिए हमें? हाँ, तो ये हमारे डेली रूटीन का पार्ट, दिनचर्या का पार्ट होना चाहिए हमारे। करेक्ट 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 राइट। तो अगर हमारे पास ऐसे फीमेल आती है जिन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, तो क्या वो डायरेक्टली प्रेगनेंसी में योगा या फिर लाइट एक्सरसाइजेस चालू कर सकती है, या फिर कैसे मैनेज कर सकती है? यस यस श्योर। अगर उन्होंने पहले कभी भी योग नहीं किया हो, पहले कभी भी कोई भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं की हो, लेकिन फिर भी वो अगर प्रेग्नेंट है और उनको योग करने की इच्छा है, मैं तो कहूंगी हर प्रेग्नेंट लेडी को योग करना चाहिए। ओके, इनफैक्ट प्रेगनेंसी कैन बी अ वेरी गुड पीरियड टू स्टार्ट योर एक्सरसाइज एंड योग। ओके, अगर आपने पहले नहीं किया है तो प्रेगनेंसी इज द गोल्डन पीरियड की, चलो ये आपके एक लाइफ का एक नया चैप्टर खुल रहा है अभी आपके लाइफ के लिए, तो उसी के साथ आप योगा शुरू कर दीजिए या तो लाइट एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, जो आपको आगे जाके ये प्रेगनेंसी में भी बहुत अच्छे से बेनिफिट्स देंगे। ना कि वो सिर्फ मदर के लिए बेनिफिशियल है, बट इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर दैट ग्रोइंग चाइल्ड। ओके, हु इज इनसाइड द वूम, जो गर्भाशय में पल रहा है, बढ़ रहा है, उसके लिए भी योगा और प्रेग्नेंट एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो अगर उन्होंने पहले भी नहीं की है और वो प्रेग्नेंट है, तो जितना हो सके उतना जल्दी उनको योगा टीचर के साथ मिलके, ऐसे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगी कि यूट्यूब या तो कहीं पे सोशल मीडिया पे वीडियोस देख के आपको शुरू करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे मत कीजिए। एक अच्छे से प्रीनेटल योगा टीचर से या तो प्रीनेटल ट्रेनर से आप मिलिए और उनके ऑब्जर्वेशंस के अंडर ही, उनके साथ ही आपका ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए जितना हो सके उतना जल्दी। ओके, ये भी एक मिसकंसेप्शन है हमारे सोसाइटी में कि पहले 3 महीने आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। योगा आप एज सून एज यू गेट प्रेग्नेंट यू कैन स्टार्ट योगा प्रैक्टिस। एक्चुअली यू शुड स्टार्ट योर योगा प्रैक्टिस बिफोर यू कंसीव। ओके, आपके कंसेप्शन प्रेगनेंसी के पहले से आपको एक्चुअली ये सब शुरू करना चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ओके, तो आप अगर प्रेग्नेंट रहने के बाद भी अगर आप शुरू कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना हो सके उतना जल्दी आपको शुरू करना चाहिए। ऑफ कोर्स उसके पहले आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट से परमिशन लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी उतनी इजी नहीं रहती है। प्रेगनेंसी में अगर पहले से कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, ओके, तो फिर वहां पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, लेकिन योग में बहुत सारे ऐसी बाकी की भी प्रैक्टिस है जो हर एक रिस्ट्रिक्शन के साथ हम कर सकते हैं। अगर वो उसको बेड रेस्ट भी कही है प्रेग्नेंट वुमन को कि घूमना फिरना अलाउड नहीं है, फिर भी आप योग कर सकते हो। ओके, तो योग कहीं पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कहीं पर नहीं है एक्चुअली, लेकिन यस, आपके गायनेकोलॉजिस्ट की परमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो लोगों को लगता है योगा मतलब सिर्फ आसन किए, सूर्य नमस्कार किए, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम लोग सिर्फ बेड पे या फिर लेट के भी कर सकते हैं, जैसे कि प्राणायाम हो गए, हम लोग एटलीस्ट उसको बैठ के कर सकते हैं, मेडिटेशन हो गया, योग निद्रा हो गई, और जो आपने ब्यूटीफुली वो सॉन्ग्स भेजे हैं
ड्यूरिंग द कोर्स जो रिलैक्सेशन म्यूजिक है उससे भी उनको काफी फायदा हो सकता है इससे भी जी। ये भी एक मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कि डॉक्टर ने बोला है योगा ना करे, ऐसे योगा करने के लिए मना किया है, ऐसे काफी पेशेंट्स मुझे कहते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी कैसे, ये आपका इंफॉर्मेशन में आप कहीं पर लैक कर रहे हो। ओके, योगा मतलब सिर्फ आसन नहीं, जब आपके डॉक्टर कहते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं कि योगा मत करो, तब उनके दिमाग में रहता है कि आसन मत कीजिए। ओके, राइट, तो मैं वो वहां पर रॉन्ग नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट या तो डॉक्टर से यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में रहता है योगा मतलब बहुत सारे अलग अलग आसन है। ओके, लेकिन योगा है ये अष्टांग योग है, बराबर, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि मुद्रा है बंध है। तो ऐसे योगा जो हमारा रहता है वो बहुत अच्छे से सर्वांग सुंदर है। अगर आपको खड़े नहीं हो पा रहे फिर भी हमारे पास आपके लिए प्रैक्टिस है, अगर आप बैठ नहीं पा रहे फिर भी हमारे पास आपके लिए प्रैक्टिस है, बराबर। तो ये जैसे अभी मंजुषा आपने कहा कि देयर आर मल्टीपल म्यूजिक ट्रैक्स दैट कैन बी लिसन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मुद्रा की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, बंधास की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, प्राणायाम तो सबको पता है, एंड ब्रीदिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू कनेक्ट विथ योर बेबी। ओके, तो हम प्राणायाम यहाँ पर करवा सकते हैं उस लेडी को, भले उसको कंप्लीटली बेड रेस्ट दी हो। ओके, और आसन भी इतने सिंपल आसन रहते हैं, येट सो येट दीज आसनास आर रियली वेरी बेनिफिशियल। हम प्रेगनेंसी योग में बहुत अलग अलग प्रॉप्स यूज करते हैं, बराबर, वहां पर बेल्ट रहता है, टॉवेल रहता है, जिसके साथ वो जो लेडी है, वो जो मदर है, वो उसके चेंजिंग बेली के साथ उसका जो शरीर वहां पर चेंज हो रहा है, हम वहां पर उसको अलग अलग प्रॉप्स के साथ हेल्प करके आसन करवा सकते हैं। ओके, तो प्रेगनेंसी योगा बहुत अच्छे से सुंदर एक एक्सरसाइज नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रैक्टिस हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और वो सिर्फ हमारे फिजिकल बॉडी के वो चेंज नहीं करेगा, हमारे इमोशन जो है या फिर हमारी मेंटल स्टेट, जैसे प्रेगनेंसी, जैसे कंसीव करने के बाद बहुत सारी फीमेल्स को रेस्टलेस होने लगता है, या फिर डिलीवरी के बाद उनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है, होता है बहुत सारी लेडीज को, तो दैट कैन बी हैंडल ड्यूरिंग द दिस 9 months इफ दे प्रैक्टिस योगा वेल। जी, तो मैम और एक बात है, जो प्रेगनेंसी जो है ना वो पूरा हॉर्मोन्स का खेल है। ओके, राइट राइट, तो कैसे रहता है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस हॉर्मोन्स विच आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, 9 months में अलग अलग हॉर्मोन्स बहुत अलग अलग तरीके के हमारे बॉडी में सीक्रेट होते हैं, जिसके वजह से इमोशनल डिस्टर्बेंस इज वेरी कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट नेटली ऑल्सो, मतलब जब वो बेबी को डिलीवर करती है, अगर वो मदर फर्स्ट टाइम बेबी को डिलीवर कर रही है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो वो बहुत घबराई हुई होती है, उसको लगता है कि मैं इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बेबी की छोटी बेबी है झेल पाऊंगी या नहीं। आजकल की जो लड़कियां हैं वो बहुत करियर ओरिएंटेड रहती है, वो जो कि बहुत अच्छी बात है, तो करियर में ब्रेक आ सकता है, ऑफकोर्स प्रेगनेंसी एंड टेकिंग केयर ऑफ चाइल्ड इज कैन बी अ रियली ह्यूज गैप इन करियर, बराबर, तो वो टेंशन रहता है। फाइनेंशियली टेंशन हो सकता है कि फाइनेंशियल जो नीड अभी बढ़ेंगे उसको हम कैसे कोप अप कर पाएंगे, तो ये जो सारी चीजें है ना, तो उसके वजह से भी इमोशनल इम्बैलेंस बहुत हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, और अल्टीमेटली ये इमोशनल इम्बैलेंस वो मदर की हेल्थ को या तो बेबी के हेल्थ को प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट कर सकते हैं, तो ये सब जो इमोशनल इम्बैलेंस है उसको कम करने के लिए योग बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि योग ये सिर्फ शरीर पे काम नहीं करता, तो योग मन पे काम करता है, बराबर, और जो योग टीचर उनके साथ जो कंटिन्यूअस काउंसलिंग का भी उनका ये रहता है, योगा टीचर, हमेशा मैं कहती हूँ कि अच्छे योगा टीचर को एक अच्छा काउंसलर होना बहुत जरूरी है, उसे अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। बहुत बार देखा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी हमारे अपने योगा टीचर के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल के बात कर सकती है, जो वो अपने घर वालों के साथ नहीं बात कर सकती वो हमारे योगा टीचर के साथ उसकी बातें बहुत हो सकती है, तो जो भी उसके मन में अंदर जो डर है, जो एंगर है, वो अगर वो छुपा है तो उसको बाहर लाना बहुत जरूरी होता है टू बैलेंस ऑल दिस हॉर्मोन्स, तो योग बहुत अच्छे से एक टूल हो सकता है ये सारे हॉर्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए। पोस्टनेटली मतलब आफ्टर वंस शी डिलीवर्स अ चाइल्ड, उसके बाद भी हॉर्मोन्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं,
जिसके वजह से पोस्टनेटल डिप्रेशन इज वेरी कॉमन, जिसमें डिप्रेशन ये बहुत आगे की स्टेज होगी, लेकिन द पोस्टपार्टम बेबी ब्लूज जो कॉमन है सबको फेस होते हैं। सारी माए जैसे ही बेबी को डिलीवर करते हैं उनको रोना आ जाता है, बेबी अगर रोता है तो वो रोना शुरू कर देती है, बेबी ने खाना खाया तो बराबर से खाया कि नहीं, नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, बेबी क्यों चीखा, अच्छा बेबी क्यों नहीं चीखा, ये सारे क्वेश्चंस उनको इतना मतलब डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये सब क्यों होता है, ये क्यों नहीं होता है, उसका अगर ट्रेनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उनका हो जाता है, कुछ चीजें कॉमन होती है, वो मदर नहीं रहती है, बेबी नया रहता है, हर चीजों के लिए जैसे फीडिंग है, सिंपल ब्रेस्ट फीडिंग है, वो भी सीखना जरूरी होता है, मदर को भी उसे कैसे बेबी को होल्ड करना है, बेबी को भी वो सकिंग कैसे है, ये सब आना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए थोड़ा पीरियड हमें अपने आप को देना चाहिए। अगर इसका ट्रेनिंग अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाता है तो आगे के जो टेंशन है वो मदर बहुत अच्छे से कम कर सकती है, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है वो हम काफी हद तक कम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रेगनेंसी योग का जो हम सेशन लेते हैं या तो हम ट्यूशन लेते हैं, इसके साथ बहुत अच्छे से हेल्प हो सकती है। ओके यस, योगा में ये बॉडी क्लीनिंग डिटॉक्स शुद्धि क्रिया के बारे में बात की है एंड वेरी सिमिलर दे हैव बीन आयुर्वेद आल्सो, जैसे पंचकर्मा बोलते हैं, तो अगर मतलब कंसीव करने से पहले कोई फीमेल पंचकर्मा करती है या फिर योगा की शुद्धि क्रिया करती है तो उसको क्या फायदा हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर हेल्थ उनके हेल्थ के लिए या फिर बेबी के हेल्थ के लिए, शरीर शुद्धि करना कैसे लाभदायक है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन मंजूषा। मैं भी यहाँ पर एक सिंपल आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। अगर आपको बहुत अच्छे से आम खाने की इच्छा है कि मुझे हाई क्वालिटी का मैंगो चाहिए, ओके मुझे खाना है वो एकदम अच्छे क्वालिटी का, सुपर क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी, राइट? तो वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का आम कहाँ से आएगा? ओके वो कहाँ से आएगा? अगर हमें एकदम जो सुपीरियर प्रोडक्ट अगर चाहिए तो उसके लिए उसका जो बीज रहता है वो भी सुपीरियर क्वालिटी का होना बहुत जरूरी होता है, राइट? ओके, तो शुद्धि कर्म ये इसके लिए है कि कैसे रहता है आजकल का हमारा ये जो जीवन है, लाइफ स्टाइल है हमारी, वो बहुत बिगड़ी हुई हर एक की, ओके, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल स्ट्रेस हमें रहता है, हमारा काफी टाइम ट्रैवलिंग में चला जाता है जो कि अभी लॉकडाउन के लिए काफी कम हो गया है, बट अगेन वी आर गोइंग टू बैक टू नॉर्मल थिंग। हम ट्रैवलिंग में बहुत टाइम जाते हैं जिसके वजह से पोल्यूशन का हमें बार बार सामना करना पड़ता है, हम जो भी खाते पीते हैं वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का नहीं रहता है, ओके हमारे डेली लाइफ में काफी केमिकल्स हम यूज करते हैं जिसका कहीं ना कहीं पे भी हमारे सेल्युलर लेवल पे वो कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाता ही है, ओके तो हमारी बॉडी ऑलरेडी इतनी अशुद्ध रहती है, राइट? तो अगर आप ऐसे बॉडी से एक शुद्ध बीज की कैसे इच्छा कर सकते हो, बराबर? ओके हमें तो हमारी बेबी बहुत हेल्दी चाहिए, हमें बेबी एकदम परफेक्ट चाहिए, तो परफेक्ट एंड सुपीरियर क्वालिटी का अगर प्रोडक्ट आपको चाहिए तो उसके लिए आपको वो बीज जो है वो बहुत अच्छा क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है, ओके और हम हमारे ये पूरे अशुद्ध शरीर से एक साथ वो सुपीरियर क्वालिटी का बीज तो निर्माण नहीं कर सकते, तो इसके लिए शरीर शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी टॉक्सिन्स आपके शरीर में जमा हुए है ड्यू टू आपकी लाइफस्टाइल बताइए या तो कुछ भी आप कहिए, ओके तो वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। उसी के साथ हम जो आयुर्वेद के अनुसार जो वात पित्त कफ जो तीन दोष बताते हैं उसका बैलेंस होना भी जरूरी है, क्योंकि आगे जाके बीज की उत्पत्ति होना, फर्टिलाइजेशन मतलब होना, इम्प्लांटेशन मतलब वो जो बीज है वो गर्भाशय में जाके चिपक जाना और आगे वो जो बीज की बहुत अच्छे से प्रोग्रेस होना, राइट? इन सब के लिए ये वात पित्त और कफ तीनों दोषों की उतनी जरूरी रहती है और उतना ही बैलेंस में वो रहने चाहिए। तो इन तीनों दोषों का जो बैलेंस है वो हम पंचकर्म जिसे कहते हैं आयुर्वेद में, ओके उसके साथ हम वो उसे बहुत अच्छे से बना सकते हैं। जो भी शरीर की अशुद्धियां है वो शरीर से निकालने के लिए ये पंचकर्म बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो आइडियली जो लोग, जो कपल बेबी का प्लान कर रहे हैं उनको 6 months प्रायर, मतलब प्रायर कंसेप्शन, ऐसे नहीं आप एक बार कंसीव कर लेते हो तो आप पंचकर्म नहीं कर सकते, बराबर? तो बेबी शुड बी प्लान्ड, ओके बेबी शुड बी बाय चॉइस, ऐसे नहीं कि बाय चांस हो गया, बराबर? राइट, है ना?
अगर हम हमारे घर पे कोई मेहमान आने वाले होते हैं तो हम कैसे करते हैं, हम पहले हमारा घर साफ करते हैं, बराबर? नहीं, मेहमान आने वाले हैं, घर को क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो वैसे ही वो जो बेबी है वो अगर हमारे शरीर में 9 महीने एज अ मेहमान रहने वाला है, तो पहले सबसे पहले हमारे शरीर को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। इसके लिए पंचकर्म का इम्पोर्टेंस है। पंचकर्म हमेशा किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ही करना फायदेमंद रहता है। घर पर बैठ के हम पंचकर्म नहीं कर सकते, तो इसके लिए अपने आप को कुछ समय दीजिए कि अगर आपको 6 महीने के बाद बेबी प्लान करना है तो यार आपकी जो तैयारी है वो 6 से 7 महीने पहले होनी चाहिए, शुरू होनी चाहिए। आयुर्वेद में पंचकर्म बताए गए हैं, हमारे योग में शुद्धि क्रिया बताया है जिसे षटकर्म कहा जाता है, उसके साथ भी बहुत अच्छे से इफेक्ट दिखाई देते हैं फॉर योर दिस प्यूरिफिकेशन ऑफ योर बॉडी, जिसके साथ हम बहुत अच्छे से उत्तम बीज की इच्छा कर सकते हैं। I just love this line, pregnancy should be by choice and not by chance. Amazing, yes. So, अगर हम लोग पंचकर्मा करते हैं या फिर आयुर्वेदिक जो शुद्धि क्रिया है वो कर लेते हैं, तो इससे कोई कॉम्प्लिकेशंस जो है प्रेगनेंसी के दौरान आने वाले रहेंगे तो क्या वो कम होने के चांसेस है, या फिर रेगुलर प्रैक्टिस के साथ वगैरह भी? देखिए, अभी कैसे है ना, ऐसे कहा जाता है कि अगर आपके घर में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की हिस्ट्री है, ओके, कभी कभी कुछ ना कुछ जैसे रहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कभी कोई मेंटली रिटार्डेड किड्स की हिस्ट्री रहती है, ओके, तो अगर ऐसी कंडीशन अगर आपकी है तो मैं जरूर आपको सलाह दूंगी कि पंचकर्मा करवा लीजिए, आपकी बेबी प्लांड होनी चाहिए, ओके, क्योंकि फाइनली जो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से हमारी पूरी बॉडी है वात पित्त और कफ दोषों के साथ ही बनी हुई है, दैट इज द बेस ऑफ अवर बॉडी। तो हम जब से, और हमारी बॉडी बाद में आगे जाके जो जीन्स बनते हैं, जो भी हम कहते हैं पेशिया बनते हैं, ये सब आगे जाके इन दोषों का ही काम रहता है, तो वो दोषों में जो फॉल्ट है उसको निकालने के लिए पंचकर्मा बहुत अच्छे से काम करता है, ओके, तो आगे जाके हम जो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स है वो बहुत अच्छे से अवॉइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पंचकर्मा। अगर कोई भी जैसे देखो रहता है कि माता पिता में किसी को अस्थमा की बीमारी है, बराबर, तो आगे जाके वो बेबीज में आ सकते हैं, राइट? तो ऐसी कंडीशन में अगर आप वमन करके फिर बाद में, मतलब आपके पहले दोषों को बैलेंस कीजिए, फिर आप जो भी उत्पन्न करेंगे वो अच्छे फॉर्म में रहेगा और वो भी वही आपके बेबी के पास चला जाएगा, ओके? तो दैट इज व्हाई ये जो आगे जाके जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डायबिटीज भी अगर आपके फैमिली में है, फैमिली हिस्ट्री है, ऐसी कंडीशन में अगर आप पंचकर्म कर सकते हो तो यस, अप टू सर्टेन एक्सटेंट वी कैन अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। Is not 100% sure, of course, आगे जाके वो जो बेबी है वो आगे जाके कैसे रहने वाला है, लेकिन जितना हो सके उतना माता पिता के एक, मैं तो कहूंगी ये कर्तव्य है, हम हमेशा हमारे बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, बराबर, कि नहीं बेटे के लिए बेटी के लिए इतना ये फिक्स डिपॉजिट है, ये पॉलिसी ले रही हूँ, तो अपनी हेल्थ, अपने जीन्स या तो जो हम इनहेरिट कर रहे हैं वो उनके पास अच्छा जाना चाहिए, दैट इज आल्सो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बराबर। अगर हम उनके लिए पैसों का इंतजाम कर रहे हैं तो हमें उनके लिए हेल्थ का भी इंतजाम करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हम लोग ऐसे ही अवॉइड कर सकते हैं, तो यूजुअली एक बहुत कॉमन क्वेश्चन लेडीज पूछती है कि कितना वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पुट ऑन होता है और कितना टाइम लगता है उसको बैक टू नॉर्मल वेट आने के लिए। ओके, जनरली आपके प्रेगनेंसी, मतलब आप जो 9 months का एक टेन्योर पकड़ रहे हो, ओके, तीन ट्राइमेस्टर जिसमें आते हैं, उसमें टोटल आपका वेट गेन 12 किलो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, ओके, 12 kg वेट गेन इज वेरी नॉर्मल,
12 to 15 केजी तक भी नॉर्मल कहते हैं, उससे ज्यादा हो रहा है तो यस आप बहुत ज्यादा वेट गेन कर रहे हो ऐसे कह सकते हैं, लेकिन 11 से लेकर 12 से लेकर 15 किलो का वेट गेन इज नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उससे ज्यादा आइडियली नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है आपका उतना ज्यादा वेट तो यस आपको थोड़ा शुगर में कंट्रोल करना पड़ता है, बिकॉज शुगर इज द वन थिंग जो वेट गेन में बहुत ज्यादा क्या बोलती है कंट्रीब्यूट करती है। ओके, तो थोड़ा सा शुगर पर चेक रखना हमें पड़ता है, सो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। और उसी के साथ अगर आप योग प्रैक्टिस कर रहे हो, योग के बहुत सारे आसन ऐसे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हम कर सकते हैं, जो वेट पे बहुत अच्छे से वॉच रखते हैं। ओके, वेट गेन में मतलब ज्यादा वेट गेन वो नहीं होने देते हैं। सो प्रेगनेंसी योग की जो प्रैक्टिस है वो भी वेट गेन के लिए बहुत अच्छे से हेल्पफुल हो सकती है। और आपने दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि ये जो वेट है वो नॉर्मल कब हो जाता है, बैक टू नॉर्मल। ओके, नाउ दैट डिपेंड्स ऑन दैट फीमेल्स ट्रेट जो है। ओके, तो वो कितना जल्दी एक्टिव होती है आफ्टर डिलीवरी, दैट इज वेरी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वो कितने अच्छे से अपने बेबी को फीड करती है। ओके, मैं जब फीड बोल रही हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है ओनली एंड ओनली ब्रेस्ट मिल्क, नॉट इवन वॉटर। ओके, मैं सिर्फ बच्चे को पानी देती हूँ कि राइस कंजी देती हूँ या तो वो कैफेरेक्स देती हूँ, सेरेलैक देती हूँ, ये सब नहीं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो जितना ज्यादा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करती है, वेट लॉस होने में उतनी ही ज्यादा मदद होती है। प्लीज मार्क माई पॉइंट। ओके, तो अगर आपको आपने जो प्रेगनेंसी में वेट गेन किया है, अगर आप इच्छा रखते हो कि आपकी वेस्ट लाइन वापस बैक टू नॉर्मल आए, ओके, आपकी फिगर वापस बैक टू नॉर्मल आए, आपका वेट रिड्यूस हो, तो बहुत अच्छे से राइट फ्रॉम द फर्स्ट आवर, ओके, डिलीवरी के बाद विद इन हाफ एन आवर यू शुड स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, आधे घंटे के अंदर अंदर आपको ब्रेस्ट फीड करना बहुत जरूरी है। अगर सिजेरियन सेक्शन भी हुआ है तो भी आपके बेबी को जितना हो सके उतना फीड जल्दी से जल्दी करने की मदद कोशिश कीजिए। ओके, आप अगर एलएससीएस के बाद सिजेरियन सेक्शन के बाद बैठना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो किसी की हेल्प लीजिए और लेटे लेटे बेबी को फीड करना शुरू कर दीजिए। ब्रेस्ट फीडिंग इज लाइक ये संजीवनी है बेबी के लिए भी और माँ के उसका ये पहला अधिकार है। हर एक बेबी को ब्रेस्ट फीड मिलना, ये मैं कहूंगी उसका जन्मसिद्ध हक है, अधिकार है। और वो जितना बेबी के लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, उतना ही वो मदर के लिए भी बेनिफिशियल है। टू रिड्यूस हर वेट, जो यूटेरस की साइज बढ़ी हुई है 9 मंथ्स में, उसे कम करने के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छे से मदद करता है। मतलब जो भी प्रेगनेंसी के चेंजेस है उसको बैक टू नॉर्मल लाने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छा उपाय है। बेबी का वेट बहुत अच्छे से बढ़ता है क्योंकि जो ब्रेस्ट फीड रहता है, ब्रेस्ट मिल्क रहता है, वो बेबी के एज के साथ बदलता है। उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, उसकी जो क्वांटिटी रहती है, वो बेबी के नीड के हिसाब से वो बदल जाता है। ओके, तो इट इज लाइक द फर्स्ट फूड, वो बेबी के लिए पूर्ण परिपूर्ण आहार है। यस, मदर का डाइट बहुत अच्छे से होना चाहिए। ओके, आपका ये डाइट कंप्लीट फुल, क्योंकि ये बेबी पूरी तरह से मदर पे डिपेंड रहता है उसके ग्रोथ के लिए, तो इसके लिए मदर का जो आहार है वो परिपूर्ण होना चाहिए, कंप्लीट डाइट शुड बी देयर। ये डाइट आपके रूढ़ी के अनुसार मैं तो प्रिफर करती हूँ, बराबर। हमारे यहाँ पे एज ओल्ड साइंस प्रिफर किया जाता है कि आपको डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ओके, तो वो फॉलो कीजिए जितना हो सके और बहुत अच्छे से ब्रेस्ट फीड कीजिए। आपका वेट बहुत जल्दी से विद इन 3 मंथ्स आपका वेट वापस बैक टू नॉर्मल आ सकता है। ओके, और उसी के साथ जितना हो सके उतना फर्स्ट 40 डेज के बाद आपकी एक्टिविटी बढ़ाइए। ओके, आप पोस्ट नेटल योगा प्रैक्टिस भी आफ्टर 6 वीक्स मतलब ऑलमोस्ट 40 डेज के बाद अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप शुरू कर सकते हो। अगर आपका सीजेरियन सेक्शन हुआ है तो 3 महीने के बाद आप ये सारी प्रैक्टिसेस शुरू कर सकते हो। और उसके पहले सिंपल वॉकिंग जो रहता है, ओके, बैठ के जो अगर आप आसन बेड पे बैठ के कुछ आसन है जैसे पर्वतासन है, गोमुखासन है, मार्जारासन है, ये सारी प्रैक्टिसेस आप बेड पर बैठे बैठे भी कर सकते हो। तो जितना जल्दी आप एक्टिव हो जाते हो वो बहुत जरूरी है फॉर द वेट लॉस। ओके,
सो मैम पहले अगर हमें फर्स्ट बेबी और सेकंड बेबी में वेट गेन में कुछ चेंजेस होते हैं या इट इज वेरी सिमिलर फर्स्ट बेबी में और सेकंड बेबी में? हाँ मतलब ऐसे कोई देखा गया क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन यस बहुत बार ऐसे होता है कि सेकंड बेबी का वेट थोड़ा ज्यादा अच्छे से रहता है. ओके क्योंकि एक तो बात ऐसी रहती है, मेनी टाइम्स ये जो नौशिया वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में काफी ज्यादा दिखाई देता है. सेकेंड प्रेगनेंसी में ये जो नौशिया वॉमिटिंग वो काफी हद तक कम हो सकता है. इसके दो रीजन रहते हैं, एक तो बॉडी ट्यून्ड हो चुकी होती है. फर्स्ट प्रेगनेंसी इज कम्प्लीटली न्यू थिंग फॉर दैट मदर्स बॉडी. उसके लिए वो सारे इमोशनल सर्जेस जो रहते हैं, ये जो चेंजेस है वो उसके बॉडी के लिए बहुत नए है. ऑफकोर्स सेकेंड टाइम जो रहता है तो मदर यूज टू हो जाती है कि हाँ मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी ऐसे, और उसे समझ में आता है कि अच्छा ये होता है तो मुझे क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए. तो जनरली सेकेंड बेबी का वेट जो रहता है वो काफी बार ऐसे देखा जाता है कि सेकेंड बेबी का वेट पहले बेबी से अच्छा है. okay? क्योंकि बॉडी ट्यून्ड हो चुकी होती है, थोड़ी प्रैक्टिस हो चुकी होती है उस मदर को ऑलरेडी. यस सो जब भी हम लोग प्रैक्टिसेस करते हैं, चाहे वो योगा प्रैक्टिस हो या फिर एक्सरसाइज हो किसी भी फॉर्म में, इट्स पोस्ट डिलीवरी के बाद, जैसे आपने बोला कि 6 वीक्स का गैप दीजिए या फिर 8 वीक अगर सी सेक्शन हुआ है, 3 महीने हुआ है, तो इमीडिएटली ज्यादा हैवी एक्सरसाइज वी शुड नॉट स्टार्ट, राइट? धीरे धीरे हमें एक्सरसाइज का पैटर्न बदलना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए. इट्स नॉट कि अगर हम लोग पहले इतना कर रहे थे इसके बाद इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी इतना करना है, ज्यादा एक्सरसाइज करनी है, ऐसा एटीट्यूड. बिकॉज अभी अभी हमारे यहाँ पे दो टाइप के लोग हैं, कोई बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते और एक है कि उनको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की आदत है. दे जस्ट कांट थिंक अदर देन एक्सरसाइज एंड ईटिंग राइट. और बीच का ग्रुप तो है ही नहीं फिलहाल, तो उन ज्यादा एंथु लोगों के लिए आप क्या बता सकते हो? एक्सट्रीमिटीज आर देयर. लेकिन देखो अगर कोई लेडी पहले भी एक्सरसाइज कर रही है तो एक बेनिफिट उसमें रहता है कि उसकी बॉडी बहुत जल्दी से रिकवर भी हो सकती है. ओके तो एक्सरसाइज का ये एक बहुत अच्छे से फायदा है कि आप प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद बहुत अच्छे से जल्दी रिकवर हो जाते हो. ओके तो फर्स्ट आपको ये कहना है कि दैट यू शुड लिसन टू योर बॉडी फर्स्ट, बराबर. सिर्फ ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम किसी सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हैं. ओके राइट कि उस सेलिब्रिटी ने डिलीवरी के बाद 1 महीने में इतना वो सब कर रही है, सो आई शुड ऑल्सो डू दैट. तो ये पहले दिमाग में से निकाल लीजिए, क्योंकि हर एक बॉडी अलग रहती है. ओके हर एक वो सेलिब्रिटी को कितने अच्छे से असिस्टेंस मिल रहा है, उसका पहले क्या रेजिम था, वो कैसे पहले फॉलो कर रही थी, वो आपको कुछ पता नहीं है, बराबर. सेलिब्रिटी जो दिखाएंगे वो हमें एंड प्रोडक्ट दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे की उनकी मेहनत भी, या तो उनकी जो क्या बोलते हैं कैमरे के पीछे की जो स्टोरी रहती है वो कभी सामने आती नहीं है. सो यू शुड लिसन टू योर बॉडी फर्स्ट. अगर आपको लग रहा है कि मैं पहले एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा प्रैक्टिस कर रही थी और अभी नहीं कर पा रही हूँ, दैट मीन्स आपकी बॉडी थक रही है, आपके बॉडी को रेस्ट की जरूरत है. आपको जब तक अच्छा लगता है उतना ही आपको प्रैक्टिस करना चाहिए. प्लीज डोंट ओवरडू. ओके प्रेगनेंसी कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो हर महीने आपके लाइफ में आने वाली है. आजकल तो एक ही बच्चा होने के बाद लोग रुक जाते हैं, सो इट इज लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग. ओके तो वो जो पोस्टनेटल जो है वो भी अच्छे से एंजॉय करो. ऐसे दिमाग में मत लाओ कि मुझे वापस वेट लॉस करना है. यू शुड एंजॉय दैट पोस्ट प्रेगनेंसी पीरियड ऑल्सो. अच्छे से आराम कीजिए, क्योंकि कैसे रहता है ना ये 9 मंथ्स में, आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक पूरी लाइफ आपके शरीर के अंदर डेवलप हो रही थी. उसके लिए, उस लाइफ के डेवलपमेंट के लिए, उस परफेक्ट बॉडी के लिए आपके बॉडी में से बहुत कुछ लिया गया है, बराबर. उसके लिए आपके बॉडी ने एक्स्ट्रा सहा है, आपके बॉडी पर एक्स्ट्रा स्ट्रेन आया है. तो वो सारा जो स्ट्रेन है, वो जो सारे जो श्रम है जो प्रेगनेंसी में हुए है शरीर के लिए, फिर डिलीवरी के वक्त हुए है, तो उसको वापिस बैक टू नॉर्मल लाने के लिए आपको थोड़ा तो समय आपके शरीर को देना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके तो आपको आपके बॉडी को सुनना चाहिए. यू शुड लिसन टू योर बॉडी कि आपकी बॉडी क्या बोल रही है. ओके और उसी के साथ आपको फिर एक्सरसाइज की जो इंटेंसिटी है, आसन है, वो बढ़ाने चाहिए. इसीलिए पोस्टनेटल जो प्रैक्टिसेस रहती है वो भी काफी इजी प्रैक्टिसेस रहती है. ओके क्योंकि ये जो
एब्डोमिनल जो फेशिया रहता है या तो जो वॉल रहती है एब्डोमिन की, वो काफी लूज हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, बराबर। उसको वापस बैक टू नॉर्मल लाने के लिए यस एक्सरसाइज इज द ओनली ऑप्शन। वापस हमारे में बहुत सारे हम बेल्ट लगाते हैं कमर को, या तो हमारे ट्रेडिशन में साड़ी बांध लेते हैं, उसके साथ भी ये एब्डोमिनल वॉल टाइट होना बहुत अच्छे से मतलब वो हेल्प हो जाती है। जो डाइट हमारा रहता है उसके साथ भी हेल्प होती है, और यस एक्सरसाइज का बहुत यहाँ पर ज्यादा पार्ट है। तो आपको एक्टिव तो तुरंत होना है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि चलो तीसरे चौथे दिन से आप जॉगिंग करना शुरू कर दिया, ऐसे दैट शुड नॉट बी देयर। Okay? Nice. तो ग्रेजुअली आपकी एक्सरसाइज इज लाइक वन थिंग दैट यू शुड बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज द की। आज एक घंटा किया, फिर दो चार दिन बिल्कुल नहीं किया, चलो थक के सो गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। बराबर। लाइट एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट। यस, लाइट एक्सरसाइज इज वेरी इम्पोर्टेंट। इसीलिए पोस्ट नेटल की जो प्रैक्टिसेस रहती है वो भी एक अच्छे योगा टीचर के साथ, अच्छे ट्रेनर के साथ अगर आप करो तो वो बहुत अच्छे से आपको ज्यादा फायदेमंद रहता है। यस मैम। सो कंक्लूजन इज कि घर का खाना खाओ एंड डू प्रैक्टिस योगा। आपके ट्रेडिशन में अगर महाराष्ट्रियन हो तो महाराष्ट्रियन फूड प्रेफर करो, गुजराती हो तो यू शुड स्टिक टू गुजराती फूड। और जो भी हमारे ट्रेडिशन में, जैसे आपने बोला साड़ी बांधना, या फिर हमारे यहाँ पे धूपन होता है, फीमेल के बेड के नीचे कुछ जलाते हैं, अजवाइन होता है, ओवा, या फिर कोई भी हर्ब्स, जिस मतलब हर कल्चर में कोई ट्रेडिशनली हर्ब्स होते हैं, मसाज होता है, मसाज होता है यहाँ, तो वो सारी चीजें हमें जरूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हो गया और छोड़ दिए, क्योंकि उसका हमारे पूरे लाइफ में, लाइफ टाइम में उसका फायदा आई गेस होने वाला है हमारे हेल्थ को। तो आई थिंक वी शुड जी। ओके मैम, और एक लास्ट क्वेश्चन है। एक लड़की ने पूछा था कि शी हैज अ सिस्ट, तो योगा प्रैक्टिस उन्होंने एक डेढ़ महीना की और उनको डॉक्टर ने बोला कि काफी कम हो गए अभी, तो क्या वो बैक टू नॉर्मल जा सकते हैं कंटिन्यूस रखने के बाद, या फिर चांसेस है लाइफ में वो वापस आने की सिस्ट? पहले तो वो सिस्ट क्या है वो देखना बहुत जरूरी है। तो सिस्ट कभी कभी वापिस भी हो सकते हैं, तो अगर कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम लगता है तो एक सोनोग्राफी करके चेक करना इज ऑलवेज बेटर। ओके, अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम लगता है, क्योंकि सिस्ट भी बहुत बार ये जो हमारे मल्टीपल हॉर्मोन्स रहते हैं जो डे टू डे चेंज हो सकते हैं। फीमेल बॉडी का ऐसे रहता है कि फीमेल बॉडी, यूट्रस, ओवरी, ये हर दिन अलग अलग चेंजेस से गुजरती है। ओके, तो सिस्ट आना जाना इज ऑल्सो वेरी कॉमन। सिस्ट बहुत बड़े हो जाते हैं, वो कौन से टाइप के सिस्ट है, वो सिस्ट क्या कुछ शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कभी कभी पेन होना शुरू हो जाता है या तो उसका आकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसी कंडीशन में सर्जरी वगैरह का भी ऑप्शन लेना पड़ता है। लेकिन आप अगर कह रहे हो कि प्रैक्टिस के साथ उसके सिस्ट का आकार काफी कम हो चुका है, सो दैट इज एक्चुअली अ गुड न्यूज। लेकिन ध्यान रखना बहुत जरूरी है, एक कुछ भी अगर डिस्कम्फर्ट लग रहा है तो डॉक्टर से मिलो, सोनोग्राफी करवा के देख लीजिए। सो यू शुड बी वॉचफुल ऑलवेज, ये एक बात याद रखिए। यस, आई थिंक दीज वर द क्वेश्चंस, और काफी ज्यादा नॉलेज मिला। क्वेश्चन के अलावा भी आपने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो से बहुत सारे फीमेल को फायदा हो, और आपको मतलब आई होप टू सी यू मोर ऑफन सो दैट वी कैन हैव दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस ऑन फीमेल हेल्थ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thanks a lot, Manjusha. Thank you. Okay, bye. Bye-bye. Bye, thank you.